हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। तो आज, जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा थंबनेल से, कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो 1 मिनट साड़ी पे, यू नो, रेडीमेड साड़ी पे होने वाली है। तो मैं ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, जैसे ही फेस्टिवल सीजन आते हैं या फिर वेडिंग्स आती है, तो हर किसी की पहली चॉइस होती है वो होती है साड़ी। चाहे बड़े हों, चाहे यंग एज के लोग हों, यू नो, चाहे ओल्ड एज के लोग हों, चाहे यंग एज के लोग हों, हर किसी की पहली पसंद होती है साड़ी। तो हर कोई साड़ी पहनना चाहता है, पर यू नो, हर किसी के लिए इजी नहीं होता। किसी किसी के लिए होता है कि जो जिन्हें आती है साड़ी पहनना, उनके लिए अच्छा है कि वो पहन लेते हैं बहुत इजीली, बहुत जल्दी पहन लेते हैं। बट कुछ लोग होते हैं लाइक मी, जिनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है यू नो साड़ी पहनना। मुझे परफेक्टली साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ कुछ फेस्टिवल्स में या कुछ कुछ ओकेजन्स पर पहनने की, बट अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है अच्छी तरीके से साड़ी पहनना। बस जस्ट मैं एक ड्रेप कर लेती हूँ, जैसे तैसे पहन लेती हूँ साड़ी, क्योंकि मुझे शौक है कि मैं कुछ ओकेजन्स पे पहन सकती हूँ साड़ी, रोज़ का नहीं हो सकता उनसे। तो ओकेजन्स पे तो हर कोई पहनना चाहता है ना साड़ी, चाहे करवा चौथ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा, चाहे कुछ और फेस्टिवल्स हो, यू नो, तो या शादियों में। शादियों में सबसे पहली पसंद, यू नो, हर कोई सबसे पहले जो ऑप्शन सोचते हैं वो होती है साड़ी। सो साड़ी हम सबकी फेवरेट है, तो क्यों ना साड़ी जो फेवरेट है वो हर किसी के लिए ईजी बनाया जाए। तो जैसे मेरे जैसे सारी जो मेरी रिव्यूज़ हैं वो पूरे ऑनेस्ट रिव्यू होने वाली है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहन के जस्ट 2 मिनट्स में उतार दिया है और सिर्फ वीडियो के लिए, यू नो, शूट करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि शूट करने के लिए पहन लेते हैं और रिव्यू करके फिर वो चीज़ें वो उतार देते हैं, और फिर उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली अब इसको आप 3-4 घंटे पहनते हैं कहीं किसी की वेडिंग में या फिर किसी फेस्टिवल के टाइम पे, तो आप कितने उसके कंफर्ट क्या है, उसके मतलब वो कितना कंफर्टेबल है, उसका मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है कि नहीं, ब्रीदेबल है कि नहीं, स्किन फ्रेंडली है कि नहीं, ये चीज़ें कम लोग बताते हैं। तो ये अगर आप ये जानना चाहते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं 1 मिनट साड़ी का, तो मेरी जो आज की वीडियो जिसमें मैं 2 साड़ीज की रिव्यू करने वाली हूँ वो मेरी ऑनेस्ट रिव्यू होने वाली है। पढ़ते हैं। तो अगर आपका मन होता है साड़ी पहनने का फंक्शंस में और आपको लहंगा पहनने का भी शौक है, तो ये वीडियो आपके लिए भी ज़रूर है, बिकॉज मैं जो रिव्यू करने वाली हूँ वो साड़ी कम लहंगे फॉर्म की भी साड़ीज हैं और 1 मिनट साड़ी है। तो ये 2 साड़ीज हैं जिन्हें आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। ये दोनों साड़ीज मैंने मिंत्रा से ली हैं। ये है तीखी इमली ब्रांड की साड़ी। आप अभी भी चेक करेंगे, आपको अभी भी अवेलेबल दिखेंगी तीखी इमली, मिंत्रा पे है। काफ़ी सारी, मतलब तीखी इमली की काफ़ी सारी साड़ीज मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके पैटर्न्स बहुत अच्छे लगे, बिकॉज बहुत थोड़े यूनिक थे, थोड़े डिफरेंट थे, ऐसे रेगुलर साड़ीज की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आप साइट पे चेक करना चाहें तो अभी भी ये साड़ीज अवेलेबल हैं और अफोर्डेबल प्राइस में है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इज कि अफोर्डेबल प्राइस में है, तो ये आप सब बाय कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये मैं दोनों साड़ीज़ को 1 बाय 1 रिव्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये रिव्यू करने वाली हूँ इस साड़ी को। ये रेड है, यस, रेड कलर है। ये आपने देखा होगा मेरी करवा चौथ, अगर आपने देखा होगा मेरी करवा चौथ वाली वीडियो, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा ये साड़ी मैंने पहनी हुई थी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, यू नो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये मैंने साड़ी खुद ट्राई की हुई है, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है बताना कि ये कैसी है साड़ी, और मतलब कि इसका कंफर्ट लेवल क्या है, कितनी ब्रीदेबल, स्किन फ्रेंडली है, और कितनी लाइट वेट है कि हैवी है, ये सब मैं आपको बहुत आराम से बता सकती हूँ। तो ये जो साड़ी होती है, ये साड़ी आती है एक ब्लाउज पीस एंड एक जो साड़ी होती है बनी बनाई, उस फॉर्म में आती है। तो जो बनी बनाई साड़ी है, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो ये बनी बनाई साड़ी आती है लाइक इस तरीके की है, आप देख सकते हैं। ये इसका फ्लेयर है, इतना अच्छा फ्लेयर दिया हुआ है इसमें साड़ी में। ये स्कर्ट है इसकी, इस तरीके से स्कर्ट फॉर्म में आएगी। आपको इसमें इस तरीके के हुक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके के हुक लगे हुए हैं इसमें। तो ये बहुत सारे हुक लगे हुए हैं, तो ये हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग, जिसके भी वेस्ट का साइज, हर ये ऐसे हुक लगे हुए हैं, तो ये ना जिसके भी वेस्ट का साइज जो भी होगा उसके अप्रोप्रिएट आप इसको अटैच कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अटैच कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 4 हुक दिए हुए हैं, प्लस 4 हुक के यहाँ पे देखिए इसके लिए दिया हुआ एंगेज करने के लिए। तो ये इस तरीके से है, और ये एक इसके साथ ये प्लेट, ये देखिए प्लीट्स बनी हुई आती हैं, जैसे साड़ीज में होता है प्लीट्स बनी हुई, हमें जो प्लीट्स बनानी पड़ती हैं वैसे प्लीट्स बनी हुई आती हैं, और ये इस तरीके के ये आपका कह सकते हैं आँचल हो जाता है। ये मटेरियल एक्चुअली ये नेट है, इसके अंदर सेटिन की लेयर लगी हुई है,
और फ्लेयर काफी अच्छा आता है इस, अगर मैं इस साड़ी की बात करूँ तो फ्लेयर काफी अच्छा आता है, ये बिल्कुल लहंगा जैसे दिखता है। मैं यहाँ पे फोटोज अटैच कर दूंगी, बिल्कुल आपको दिखा दूंगी कि ये पहनने के बाद कैसी लगती है साड़ी। ये सुपर इजी है, आप इसको सिर्फ यू नो ये बहुत इजी है, सिर्फ इसको आपको यहाँ पे ड्रेप करके यू नो आपको हुक इस तरीके से अटैच करना है, हुक्स को अटैच करना है अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका बॉडी शेप है, बॉडी साइज है, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से अटैच करना है आपको। तो आपके सारे हुक को आपको अटैच कर लेना है इस तरीके से, और ये इस तरीके से आती है, देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, इस तरीके से आती है और इस तरीके से आप इसको ड्रेप करके यू नो इतना इजी, सिर्फ आपने इसे ड्रेप किया इस तरीके से लेकर, ये प्लीट्स बनी हुई हैं, आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लीट्स को सिर्फ आपने ऐसे डाला। देख सकते हैं इसका जो वर्क है इतना सोबर है, वो बहुत ही कम है, सिर्फ यहाँ से आपके वेस्ट के नीचे से यहाँ से आकर के इस तरीके से यू नो बस यहाँ से आता है, सिर्फ इसके साइड साइड पे है, बाकी पूरी प्लेन साड़ी है और इतनी ईजी है पहनने में। और ये साड़ी का भी फॉर्म के साड़ी के फॉर्म में भी आपको यू नो आपको दिखता है, और ये लहंगे के जैसा भी दिखता है, तो मैं पिक्चर्स लगा दूंगी उसमें आपको। लुक आ रहा है इसका नीचे से, कितना अच्छा फ्लेयर है, जब मैंने इसे वेयर किया था कि बिल्कुल भी हैवी नहीं है और दिखने में भी अच्छा है, सिंपल है, स्टाइलिश है और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ इस तरीके की ना ब्लाउज पीस आपको आएगी जिसमें कि डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको स्टिच कराना होता है। तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कराया है, आप देख सकते हैं साइड पर जो डिज़ाइन है थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है। और अब बात करते हैं सेकंड साड़ी की, ये भी 1 मिनट साड़ी है, ये भी रेडी टू वेयर साड़ी ही है, ये भी तीखी इमली ब्रांड का ही है और ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था। तो एक्चुअली मैंने एक पहले परचेज़ किया, फिर मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि यू नो आप काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे थे, तो भी करवा चौथ है, दिवाली, तो ये मैंने अपने दिवाली पर पहना था। तो इसकी भी रिव्यू आप समझ सकते हैं कि मेरी ऑनेस्ट रिव्यू होगी, क्योंकि मैंने इसे भी 3-4 घंटे 4-5 घंटे मैंने इसे पहना है, तो मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि इसका कंफर्ट क्या है, क्या स्किन फ्रेंडली है, ब्रीदेबल है क्लोथ, या इसमें कितना हैवी है, कितना लाइट है और इसको पहनना कितना इजी है। तो मैं बात तो सबसे पहले इसके लुक की बात करते हैं कि ये साड़ी है कुछ इस तरीके की, सेम पैटर्न दोनों का सेम है, यू नो स्कर्ट काइंड ऑफ पैटर्न है जो आपको हुक से यू नो आपको अटैच एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। इसमें भी काफ़ी सारे हुक दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हुक दिए हुए हैं इसमें भी, और सेम हुक के लिए इसमें इंगेज करने के लिए इस तरीके से दिया हुआ है जैसे पहले वाले। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आपको पकड़ के इसको इस तरीके के स्कर्ट्स के दोनों कॉर्नर को पकड़ना है और अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी हुक में आपको लगता है कि आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग वो परफेक्टली वहाँ पे आ जा रहा है उसमें आप इंगेज कर लीजिए। वो 3-4 हुक है, आप सबको इंगेज कर सकते हैं, सबको वहाँ पे आपने कर लिया। इसमें भी सेम प्लीट्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं ऐसी प्लीट्स बनी हुई हैं सेम उसके जैसे, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा वर्क है तो वो मुझे काफ़ी वेडिंग और फेस्टिवल वाला ही लगा। ये भी काफ़ी वेडिंग फेस्टिवल वाला ही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसके जो ये ऊपर के जो पोर्शन हैं इसमें भी ऐसे प्लीट्स बनी हुई हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है, ज़्यादा वर्क नहीं है इसमें, कुछ भी एम्ब्रॉयडरी एंड यू नो सीक्वेंस का कुछ काम नहीं किया हुआ है इसमें। तो ये भी ऐसी है, प्लीट्स इसमें बने हुए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से प्लीट्स बने हुए हैं इसमें भी। यहाँ से आप इसको बिल्कुल परफेक्ट लुक आता है जब इसको आप इस तरीके से ना अटैच करते हैं, इतना प्यारा लुक आता है ना जब इसे पहनते हैं तो, और फॉल इतना अच्छा आता है इसके नीचे जो आँचल ये होता है, आँचल का नीचे फॉल जो होता है उसमें नीचे इतना अच्छा आता है, ये देखिए काफ़ी लंबा दिया हुआ है आँचल और छोटा, आई मीन ऐसे इसकी जो ये चौड़ाई है वो थोड़ी कमी दी हुई है, क्योंकि वैसे भी साड़ी अगर आप टिपिकल साड़ी के जैसे पहनेंगे, साड़ी जो होती हैं उसमें आँचल इतना बड़ा होता है कि ना संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। ये आप इसको देख सकते हैं कि कितना इजी है पहनना, सिर्फ 1 मिनट, एक्चुअली लिखा हुआ है 1 मिनट, तो एक्चुअली 1 मिनट एंड रेडी टू वेयर साड़ी ही है। ये लहंगे फॉर्म में है, नीचे भी लहंगा फॉर्म आता है उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें वर्क थोड़े कम है एंड इसमें यहाँ पर आपको वर्क दिखेंगे, बहुत ही सिंपल सोबर सा वर्क है, काफ़ी सिंपल सोबर सा,
एंड मैं दिखाती हूँ नीचे कितना अच्छा फ्लेयर, यू नो फिश कट जैसा फ्लेयर आ रहा है, जो मर्मेड होती है वैसा वैसा एक्चुअली में लुक आता है मर्मेड जैसा. तो वो थी, वो पूरी फ्लेयर थी बिल्कुल. एंड ये क्या है, थोड़ी सी आपकी जो अपर ये लोअर बॉडी पार्ट है इसमें थोड़ा सा फिट होकर के वो नीचे फ्लेयर होती है ना, मर्मेड काइंड ऑफ फिश कट जैसा आता है लुक, वो बहुत ही प्यारा आता है ये भी. तो इसको मैंने इससे साड़ी को मैंने दिवाली पे पहना था, तो मैं इसे बता सकती हूँ कि ये भी बहुत लाइट वेट है, बहुत ईजी टू वेयर है और आप इसे बहुत देर भी पहने रह सकते हैं. आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ यू नो साड़ी या कुछ लहंगा पहना है. और इसका इसका भी लुक यू नो आप इसे लहंगे की तरह भी पहन सकते हैं, साड़ी की तरह पहन सकते हैं. इसके साथ जो प्लीट्स या आँचल है इसके साथ भी आप डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं. इसके साथ अब मैं बताती हूँ कि इसके साथ भी सेम ब्लाउज पीस का आया था, जो उसमें पूरी चीज़ें मतलब दी हुई थी कि यू नो स्लीव्स में आपको क्या लगानी है, स्लीव्स के लिए भी मटेरियल था एंड पूरी ब्लाउज के फ्रंट एंड बैक के लिए भी मटेरियल था. तो ये है, ये भी सिल्क का है, इसमें सिल्क है तो ये ओवरऑल सिल्क का ही है ये मटेरियल पूरा. इस तरीके से मैंने स्टिच करवाया है. इसमें जो एक्चुअली पिक्चर में थी बिल्कुल ये ऐसी ही पिक्चर थी जो इसके मीन्स जो साइट पे आपकी ऑनलाइन साइट पे आप देखेंगे मिंत्रा की, तो इसमें ऐसी ही पिक्चर इसमें थी जैसे उस मॉडल ने पहना हुआ था बिल्कुल सेम वैसे मैंने स्टिच कराने की कोशिश की है क्योंकि लुक ऐसे ही काफ़ी अच्छा आ रहा था. तो ये हो गई सेकेंड साड़ी. और ये तो इस ये साड़ी का लुक काफ़ी कम्फर्टेबल है और स्किन फ्रेंडली भी है बिल्कुल भी. ऐसा कहीं भी आपको नहीं लगेगा पहनने के बाद कि कहीं चुभ रहा है, दोनों साड़ीज़ की मैं बता रही हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चुभ रही है मुझे या कहीं भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये क्या पहन लिया है मैंने, अब मैं इसे कब चेंज करूँगी ना. जैसे कि आप यूजुअली साड़ीज या लहंगा में प्लस साड़ीज में आप कितना भी पिनअप कर लेते हो यू नो, ये इतना लाइट वेट है कि पिनअप होके भी इतना प्यारा लुक आता है. और आप साड़ी में कितना भी आप अच्छे से पिनअप क्यों ना कर लो वो इतना हैवी हो जाता है ना. अगर आप पार्टीज़ के लिए या वेडिंग के लिए या फिर फेस्टिवल्स के लिए आपने अगर साड़ी पहनी हो तो यू नो हर कोई थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली थोड़ी सी हैवी वर्क वाली साड़ीज़ पहनते हैं चूज़ करते हैं, या तो आप सिल्क की साड़ी चूज़ करते हो तो ना कितने भी प्लेट्स अच्छी तरीके से क्यों ना आपने बना ली है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है पहनने में और उसको कैरी करने में. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैरी करना है. पहन तो लेते हैं सब यू नो किसी न किसी से बोल करके कि मुझे पहननी है साड़ी प्लीज़ मुझे पहना दो, बट यू नो कैरी तो खुद को ही करना पड़ता है. तो कैरी करने में भी ये काफ़ी नीचे में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको फिश कट सा पैटर्न इसमें मिलेगा, यहाँ पे फिटेड सा ये देखिए फिटेबल है. सो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग.